हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो आज नाश्ते में बने थे सैंडविच बच्चों की जी थी। ये ब्रेड लेके आ, अगर ब्रेड आ गए ना हमारे घर में तो बच्चों को फिर यही होता है कि सैंडविच बना दो, सैंडविच बना दो। तो फिर मैंने आज घर के लिए भी सैंडविच बना दिया था और आलू रात को ही उबाल के रख दिए थे, तो सुबह बस ये किया और ये देखो खाने भी लगे हैं, क्योंकि मैं बाहर ही पे ले आई थी। वैसे ना अगर गरम गरम वो काटो ना तो फिर मतलब गरम गरम करो तो अच्छे से करते, लेकिन जब ये थोड़ा ठंडे हो जाते ना तो नहीं करते। करारे मैंने, आप सोचोगे करारे नहीं कर रखे, करारे इसलिए नहीं खाए तो हन्नू ना फिर खाता नहीं, बोलता ये जले हुए हैं, तो इस वजह से। और तो स्कूल के लिए भी बना दिए, पूरी ब्रेड पैकेट का बना दिया था मतलब मैंने ना, तो दो दो घर में खा लेंगे, दो दो तीन तीन नहीं चार चार देती हूँ मैं। हन्नू तो मना करा था नहीं देना, मैंने कहा कोई नहीं आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना। उसके फ्रेंड ना मतलब क्लास में बच्चे होते हैं ना शरारती, वो ना निकाल ही देते हैं टिफिन से। अच्छा एक दिन एक बोलता है अपनी मम्मी से, बोलना आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हो। तो एक दिन एक बच्चे ने अभिनव ने बोलता आंटी से ज़रूर बोलना कि आंटी आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हो। तो फिर मैं फिर ना एक्स्ट्रा रख देती हूँ, चलो कोई नहीं बच्चे खा लेंगे ना, होता ही है बच्चों का। और हन्नू है भी थोड़ा फ्रेंड्स वाला ज़्यादा है, अरब तो नहीं है इतना बट हन्नू है। तो फिर यहाँ पे टिफिन पैक हो गया, बच्चे चले गए हैं स्कूल और आज लेट हो गया था, पता है पता नहीं क्यों कल से लेट। हन्नू ना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। अब ये टाइम होता है जब ये ठंड आने वाली होती है ना तो बच्चे उठने में बहुत आनाकानी करते हैं, और टाइम अब होने चेंज होने वाला है। तो अंदर का बिस्तर मैंने सेट कर दिया, कपड़े थे दो चार, ज़्यादा नहीं थे दो चार थे, क्योंकि इनमें से कुछ तो यूज हो जाते हैं जैसे अंडर गारमेंट्स वगैरह यूज़ हो जाते हैं ना, तो ये कपड़े थे इनको डाल देती हूँ। मतलब और जैसे स्कूल ड्रेस बच्चे पहन लेते हैं, अंडर गारमेंट्स पहन लेते हैं, तो इन्हें इनकी जगह पे रख देती हूँ, और जो बच्चों ने पहने वो भी कपड़े आगे निकाल के रख देती हूँ। नहीं तो वो क्या करते हैं, जो भी कपड़े जो भी हाथ लगे वो ख़राब कर दे। और पता है अलमीरा कल उन्होंने मतलब इन्होंने तो नहीं दी, इनके पापा ने इन्हें कपड़े निकाल के दी, ऐसी हालत कर रखी है ना अलमीरा की। अभी देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा था बट मेरे पास टाइम नहीं था अभी, मैंने कहा चलो छोड़ो बाद में कर दूँगी। बाद में क्या, अभी वहाँ मैंने जैसे कहा था कि हम जाएंगे अब शादी में जाएंगे तो एक दो कपड़े जोड़ी ले जाएंगे, तो मैंने कहा तभी सेट करके रखूँगी या फिर जिस समय मुझे लगेगा मैं सेट कर दूँगी। आगे के ऊपर ऊपर के नीचे ऐसे कर रखे कपड़े, गुस्सा तो इतना आता है क्या बताऊँ, बल्कि कर क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बोलेंगे खुद दे देती फिर, क्योंकि फिर जवाब तो यही मिलेगा। तो बस ये डस्टिंग भी मैं आज साथ ही साथ कर रही हूँ, झाड़ दिया मैंने सोफ़ा, झाड़ दिया सब झाड़ दिया। और ये पन्नी ना मीशो से मैंने मंगाई थी, ये ना बहुत मतलब वैसी है, स्लीपरी है बहुत, है तो अच्छी, ऐसा नहीं है कि गर्म रखो तो गल जाएगी ऐसा नहीं है, बट लेकिन थोड़ा स्लीपरी है, थोड़ा जो मोटे स्टफ में होती है ना वो थोड़ा अच्छी रहती है, वो मतलब फिसलती नहीं, तो ये फिसल जाती है बहुत जल्दी। तो मैं इसके ऊपर ना आजकल लैपटॉप रख देती हूँ जिससे ये फिसले ना, क्योंकि बच्चे देखते तो हैं लैपटॉप। और देखो गाड़ी निकाल रखी है, बस इनके ना खिलौने कल रात को इन्होंने सारे खिलौने फैला दिए थे, तो इन्हीं से फिर मैंने रखवाए। रख तो देते ही हैं लेकिन अलमारी की हालत भी ऐसी कर देते, मतलब ये करने के लिए तो काम ये भी कर लेते बच्चे भी कर लेते, बट हालत ऐसी कर देते सामान की कि क्या बताएं। तो जैसे मैं आज मैं इस ब्रश से डस्टिंग कर रही हूँ, कभी कपड़े से कर लेती हूँ, कभी गीले कपड़े से, कभी कॉलिन से, कभी जैसे मतलब जैसा मुझे लगता है कि आज मुझे नहीं लग रहा था, हल्की हल्की धूल लग रही थी तो मैंने कहा चलो आज ब्रश से ही झाड़ लेती हूँ ना, क्योंकि कल मैंने डीप क्लीनिंग करी थी ना, अच्छे से क्लीनिंग करी थी, तो इस वजह से अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं नहा धो के पूजा करने। फ्रेंड टाइम हो रहा है, 11 बज गए हैं, आज मुझे लेट हो गया था काम में, तो मैंने पहनी ये साड़ी।
तो देख रही हूँ जितनी साड़ी है, 9 साड़ी तो नहीं है मेरे पास, पर जितनी साड़ी है सोच रही हूँ नवरात्रि में पहनूंगी। व्रत तो मेरे नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता ही कि फैमिली में कोई एक्सपायर हुआ था तो 1 साल तक हम नहीं कर सकते व्रत ना, तो व्रत तो नहीं है लेकिन पूजा तो हम कर ही सकते अपने माता रानी की ना। तो बस दुर्गा चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ, आरती पढ़ती हूँ माता रानी की, और साड़ी पहनती हूँ। तो वही एक बहाना होता है ना साड़ी पहनने, वैसे मुझे अच्छी लगती है ऐसा नहीं है, और बाहर कपड़े ड्राई हो रहे ना तो इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात कर देती हूँ और आज ही ज़्यादा लंबा होगा। तो बस फिर मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। और इस साड़ी का ना मैं सोच रही थी फ्रॉक सूट बनवाने का, तो एक बार दिया भी था मैंने, फिर मैं वापस ले आई थी, पर लेकिन अभी फिर सोच रही हूँ क्योंकि यार मैंने बहुत पहन ली है साड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा पहन ली है साड़ी ना, अब मन नहीं कर रहा इसे, फ्रॉक सूट होगा तो वो तो पहना भी जाएगा। तो आप लोग सजेस्ट करना कि बनाओ इसका कि नहीं बनाओ, क्योंकि ब्लाउज भी ना इसका अब ढीला तो कर रखा है मैंने, बट छोटे हो गए, पहले के ब्लाउज छोटे होते थे पता नहीं क्यों, अब मैं लंबे ब्लाउज पहनती हूँ छोटे छोटे से हो गए, तो बस यही है। तो चलो काम तो भी बहुत सारा है क्योंकि किचन में मैंने थोड़ा मतलब सफाई की है, ये बर्तन वर्तन वो सेट करने हैं मुझे और कपड़े डालने, तो मैंने कहा चलो तो आराम तो करना नहीं था। इसके बाद मैं आ गई सीधे, ये मैंने कहा था ना मैंने ये धुले थे, और इसके नीचे ना ये पन्नी मोटी सी पन्नी बिछा के रखती हूँ ना, तो बिल्कुल भी टोकरी ना गंदी नहीं होती, इस बार टोकरी बिल्कुल गंदी नहीं थी, बस ये के ऊपर ऊपर से धूल वगैरह थी तो मैंने धुल दी थी, नहीं तो तेल का बिल्कुल एक भी छींटा नहीं था उसमें, क्योंकि पन्नी बिछा रखी मैंने उसके ऊपर मैं ये रख देती हूँ टिशू पेपर, तो बस टिशू पेपर निकाल के फेंक दो और साफ़ रहता है। तो यहाँ पर ये ट्रे भी मैंने धुल रखी थी। अच्छा मैं ये बता रही थी ना ये ख़राब हो रखा, बट पर ले गई नहीं, मैंने सोचा ये पर्स दिया मैंने इनके पास पर ये ले गई नहीं सही कराने, पता नहीं कब कराएंगे, अभी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही कटल की शायद इस वजह से। तो बस ये भी मैंने सेट कर दिया है, और डस्टबिन भी धुला था तो डस्टबिन भी मैं पन्नी लगा के रख देती हूँ, पन्नी लगाने से फिर ये होता है सारा कूड़ा ना इसके अंदर जाता है, वैसे हम गीला कूड़ा कुछ भी नहीं करते हैं, गीला कूड़ा ना हम पीछे फेंक देते हैं प्लॉट में। और यहाँ पर बस मेरे तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए थे और कपड़े भी फैला देती हूँ अब, और बस यही ऐसे ही काम चलता रहता है। अच्छा झाड़ू पोछा तो सुबह कर लो, उसके बाद जो काम होता है उससे बहुत थकान लगती है, छोटे मोटे मंदिर का ये करो, मंदिर के कपड़े धुलो, मंदिर के कपड़े धुले हुए हैं मैंने जैसे आप देख रहे होंगे, तो मंदिर के कपड़े वगैरह धुल दिए हैं एक बार के, तो जो मैंने रात को मैंने 2-4 ड्रेस बनाई थी भगवान जी की, वो मैंने रखी हैं, उनको भी पहनाऊँगी, जब पहनाऊँगी ना तब दिखाऊँगी आपको। और कपड़ा बचा हुआ था, अभी भी कपड़ा बचा हुआ है, मैंने संभाल दिया, कभी काम आ जाता है ना, तो इस बार मैं 1 मीटर लाई थी, पिछली बार मैं 0.5 मीटर लाई थी, तो उससे पर्दे और वही बने थे सिर्फ, और भगवान जी की ड्रेस बनी थी बट ऐसे कंजेस्टेड, इस बार मैं कपड़ा काफ़ी लाई थी 1 मीटर, तो उससे पर्दे भी बन गए और आसन भी बन गए, हाँ मतलब उससे एक और आसन बन जाएगा इतना है, तो फिलहाल तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। और जैसे कभी कभी जल जाते हैं ना कपड़े तो फिर अच्छा नहीं लगता मंदिर में बिछाना, जैसे धूप बत्ती से छेद वगैरह हो जाए तो तब मैं यूज़ कर लूँगी उसे ना। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह फैला देती हूँ और इसके बाद देखती हूँ क्या क्या काम है, काम क्या है इसके बाद, खाना पीना बनाना है बस, हाँ इसके बाद सिर्फ खाना ही पीना बनाना है। आज खाने में मैंने आज ना कल रात को पालक लाए थे, तो बच्चे पालक पनीर बोले थे वैसे तो, बट मैं सोच रही हूँ पालक का साग बना लूँगी, तो पालक मैंने उबाल के रात को ही रख दी थी, क्योंकि आपको पता ही है एक दिन में पालक छानो ना ना अगर तो फिर वो ख़राब हो जाती है बिल्कुल, तो इसलिए मैंने कल छान के धुल के मैंने कल ही उबाल दी थी, बस अब वो पीसनी है और उसी में देखती हूँ फिर वही बनाऊँगी मैं। इसके बाद मशीन का काम भी कर लूँगी, और आधा एक घंटा है रहेगा मेरे पास, तो उसमें ना मैं रेस्ट करूँगी, थोड़ा बहुत वीडियोज़ वगैरह देखूँगी जो भी होगा। तो चलो इसके बाद चलती हूँ अंदर, और पहले तो जाके पानी पीऊँगी। अच्छा एक बोतल मेरी रखी रहती है पानी की ना, वो मैं सुबह से दिन तक मतलब खाली कर देती हूँ, और अभी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पीती रहती हूँ। तो बस अब थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मिलती हूँ आपको। Thank you.
सो फ्रेंड, आधा सवा घंटा रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और रेस्ट क्या होता है, बस थोड़ा वीडियोज़ वगैरह का काम, शॉर्ट वगैरह डालती हूँ, उतने में ही टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं साग ले आई हूँ, इसमें मैंने 2 टमाटर डाल दिए, 1 हरी मिर्च डाल दी है, तो इसको पीस लूँगी ऐसे ही ना। और मैं ना मतलब जैसे साग बनाते हैं ना लोग मिक्स करके बहुत सारी साग, मैं पालक का ऐसे ही साग बनाती हूँ, या फिर राई हो, मतलब सरसों वगैरह डाल के, मुझे कड़वा सा लगता है थोड़ा, पता नहीं क्यों, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। और मुझे ना मिक्सी चलाने में बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो इनसे इन्होंने बोल दिया था रात को मैं करके रख दूँ, मैंने कहा नहीं चलो मैं ही कर लूँगी, नहीं तो ये कर, मैं मिक्सी में नहीं से चलवाती हूँ अधिकतर, मुझे बहुत डर लगता है। ससुराल जाती हूँ तो सास से चलवाती हूँ, मैं नहीं चलाती, मुझे बहुत डर लगता है मिक्सी चलाने में, पता नहीं घुर्र सी होती है ना, वाइब्रेशन होता है, तो मुझे उससे डर लगता है। और ये वाली मिक्सी पता नहीं क्यों आवाज़ भी बहुत करी, ख़राब भी हो गई, मेरी शादी की है, जार वगैरह एक बड़ा जार तो टूट गया है, आरव का फर्स्ट बर्थडे था ना तो उस टाइम पर हलवाइयों ने तोड़ दिया था, और ये छोटा जार बचा है, ये भी सही करवा के ला रखा है, तो मतलब ख़राब ही हो रखा है, समझ लो बस चल रहा है काम। मेरे को ना वो छोटी सी मिक्सी जो आती है वो मंगानी है, अब पता नहीं कब तक हलाएंगे, याद ही नहीं रहती है मुझे। तो बस यहाँ पे ये पीस लिया है मैंने, और इसमें डाल दूँगी अब तेल। और कैमरा भी सेट ढंग से नहीं कर रखा है, वही ना मैं भूल जाती हूँ, मैं कैमरा रख देती हूँ बस भूल जाती हूँ, एंगल चेंज करो, ये करो, कुछ नहीं। तो आजकल तो तेल ला रखा है, मैं जैसे मैंने बताया था, इन्होंने अपने फ्रेंड से, उनका कोई बोलते हैं कि मतलब अपनी कंपनी है, तेल वगैरह बनाते हैं वो लोग, तो वो ला रखे हैं तेल। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी जखिया छौके के लिए, और लाल मिर्च होती तो और टेस्ट आता, पर लाल मिर्च थी नहीं, लाल मिर्च मैं रखती ही नहीं हूँ क्योंकि बच्चे वगैरह खाते नहीं हैं, तो फिर इस वजह से। तो मैंने सीधे मसाले डाल दिए थे, और मसाले का क्या कलर आया था, तेल में सीधे मसाले डाल दो ना बहुत अच्छा कलर आता है, अभी मैं दिखाऊँगी आपको। तो सीधे मैंने साग डाल दिया, और एकदम से आपको पता छर 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 होता है, तो मैंने ढक्कन लगा दिया है। तो बस यहाँ पे साग मैंने छोंक लिया, और बच्चों को पसंद भी, वैसे तो पालक पनीर बना बोल रहे थे, अगर बच जाएगा तो शाम को ना पनीर मंगा लूँगी। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि प्याज लहसुन डलता नहीं, तो इतना टेस्ट नहीं आता फिर ना, तो इस वजह से नहीं बनाया मैंने। तो ये देखो साग बन गया हमारा, और अभी इसे ढक के पकाऊँगी, क्योंकि और लोहे की कढ़ाई में साग वगैरह अच्छा होता है। तो पानी मैंने डाल दिया है जितना मुझे चाहिए, अब क्योंकि अभी पकेगा ना तो गाढ़ा हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे साग पक गया है, और थोड़ा किचन भी थोड़ा साफ़ कर दूँगी, जैसे वहाँ पे छींटे पड़े ही थे, तो बस ये थोड़ा सा ऐसे ही साफ़ करके रख दूँगी, और इसके बाद जाऊँगी मैं बाहर, क्योंकि कपड़े भी पलटने, तभी सूखते हैं आजकल जब ना पलटो, अगर धूप में हो छत में डालो जैसे तब तो हो जाते हैं, यहाँ पे धूप जल्दी चल जाती है ना, अब सर्दियों में ऐसे ही होता है जल्दी चली जाती है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह पलट दूँगी, और दीदी आई थी अभी कपड़े डालने, तो मतलब वो नल वाल खुली रह गई थी तो पानी भी गिर गया, तो ये पानी भी मुझे अभी साफ़ करना है। तो ऐसे ना धीरे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे लिए मतलब होते नहीं है लेकिन बढ़ जाते हैं ना बहुत, जैसे कभी कुछ गिर गया, कभी कुछ हो गया, जो यहाँ पर जैसा पानी गिर गया, तो बस पानी साफ़ कर रही हूँ। और बच्चों का भी बस अब इसके बाद बच्चे आएंगे, खाना पीना दूंगी उन्हें, उसके बाद उनके टिफ़िन के बर्तन धुलूंगी और उनके बर्तन धुलूंगी, उसके बाद हस्बैंड आएंगे, तो शाम को मैं फिर बर्तन धुलती हूँ अपने वो वाले ना लंच के जो और रह जाते हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के, तो बस उनको मैं शाम को धुलती हूँ चाय बनाते बनाते या किसी भी समय। तो बस यहीं पे वीडियो का भी एंड करती हूँ, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट।